Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स. इसी क्रम में आज हम सब पढ़ेंगे 11.10 मेजरमेंट स्टोरी प्रॉब्लम्स. ओके, जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टोरी टाइप का क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना है. लेकिन इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों को इसमें स्टडी करना है. ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है. ओके, आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू सॉल्व दीज स्टोरी प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक. सभी स्टोरी प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने नोटबुक में राइट कीजिए. ठीक है, फर्स्ट है, द लेंथ ऑफ ए रोप इज 17 सेंटीमीटर. व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ 5 सच रोप्स. कह रहा है एक रस्सी है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसी तरह की 5 रस्सियों की लंबाई कितनी होगी. ठीक है, तो करना क्या है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है. देखिए, जो एक टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व किया जाएगा, बाकी आप लोग सॉल्व करना. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको ऐसे करना है, 18 मीटर 17 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5. और आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, क्योंकि इसकी पिछली वीडियो में हमने बताया है. 18 5 जा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर वाले पोर्शन का एक बार करेंगे और सेंटीमीटर वाले पोर्शन का इसमें करेंगे, या तो अलग अलग करके ज्वाइंट कर दें. ठीक है, दोनों टाइप से कर सकते हैं. 18 5 जा 90 मीटर, 17 5 जा 85 सेंटीमीटर. ये है आंसर. ओके, उसी तरह से इसका बी पार्ट है, बीना वेट 12 किलोग्राम 630 ग्राम एंड टीना वेट 13 किलोग्राम 720 ग्राम, हु वेट मोर देन बाय हाउ मच. कह रहा है बीना का वेट इतना और टीना का वेट इतना है, तो ये बताइए किसका भार ज्यादा है, किसका वेट मोर है और कितना अधिक है. तो किसका वेट मोर है, टीना वेट इतना. ठीक है, कितना वेट कितना मोर है, तो टीना के वेट से बीना का वेट सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जो आएगा आंसर वो इतना वेट मोर है. तो यहां से बी पार्ट टीना वेट मोर देन बीना वेट. इसका मीन्स है टीना का जो वेट है वो मीना, जो टीना का वेट है वो बीना के वेट से अधिक है. और कितना है, तो इसके लिए हाउ मच कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 13 किलोग्राम 720 ग्राम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 किलोग्राम एंड 630 ग्राम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से 0, यहाँ से 1 कैरी हो गया 90 ग्राम, और यहाँ से किलोग्राम राइट करेंगे और यहाँ पर 1. कितना अधिक है, 1 किलोग्राम 90 ग्राम. क्लियर, ओके. अब देखते हैं पार्ट सी. मोहन है 27 मीटर 18 सेंटीमीटर क्लॉथ, ही मेक 9 शर्ट आउट ऑफ इट. मोहन के पास इतना कपड़ा है, उसमें से 9 शर्ट बनाना चाहता है, तो ये बताइए 9 शर्ट बनेगा, तो ये बताइए एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा. तो क्या करना है, 9 से इसमें डिवीजन करना है, 9 से डिवाइड करना है. ठीक है, और पार्ट डी में 24 किलोग्राम 180 ग्राम राइस ऑफ पैक्ड इन 6 बैग ऑफ सेम साइज, हाउ मच राइस विल ईच बैग कंटेन. इसमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है. सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस सॉल्व दीज स्टोरी प्रॉब्लम्स इन योर नोटबुक. ए, सेम कवर्ड 12 मीटर 48 सेंटीमीटर इन 4 इक्वल जंप्स, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर इन ईच जंप. यहां से 4 से इसको डिवाइड करना है. व्हाट इज डिफरेंस इन वेट बिटवीन ए मैन वेटिंग 94 किलोग्राम 434 ग्राम एंड ए वोमेन वेटिंग इतना.
क्या करना है, इसका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि मैन का वेट और वोमेन का वेट का दोनों का डिफरेंस सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखिए मैं इसको इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसके पिछले वीडियो में जितना भी पढ़ाया है, कैपेसिटी का पढ़ाया है, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, उसके बाद वेट का पढ़ाया है, वॉल्यूम का पढ़ाया है, और यहाँ पर उसके पहले लेंथ का पढ़ाया है, लेंथ है, वेट और कैपेसिटी तीनों का पढ़ाया है, तो तीनों का यहाँ पर कंबाइन क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से किसको सॉल्व करना है और आप लोग उसे सॉल्व कीजिएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन अबाउट 15 बॉटल्स ऑफ जूस, ईच बॉटल कंटेन 5 लीटर 50 ml ऑफ जूस, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द जूस। कह रहा है मीना ने 15 बॉटल जूस का खरीदा और ईच बॉटल में इतना आ रहा, प्रत्येक बॉटल में इतना आ रहा, तो बताइए टोटल की क्वांटिटी क्या हुआ। तो 15 से सब में मल्टीप्लाई करना है, सब में 15 से मल्टीप्लाई करना है। रिया ज्वाइन 3 रिबन्स ऑफ लेंथ 3 मीटर 10 सेंटीमीटर। रिया ने 3 रिबन को ज्वाइन किया जिसका जो लेंथ है फर्स्ट का इतना, सेकेंड का इतना और थर्ड का इतना है। कह रहा है यदि तीनों को एक साथ कर दिया जाए तो ये बताइए कितना लंबा हो जाएगा। तो इसके कहने का मीन्स तीनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल है। ई 60 किलोग्राम 660 ग्राम ऑफ वीट ई डिवाइडेड इक्वली अमंग 10 पर्सन, हाउ मच वीट डज ईट ईच वन गेट। तो इसमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, ई पार्ट में 10 से डिवाइड करना है। एफ पार्ट में रोहन हैज 15 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, ही नीड्स 30 लीटर 500 मिलीलीटर फॉर ए पार्टी, हाउ मच मोर मिल्क शुड ही गेट। रोहन के पास इतना दूध है और उसे इतना पार्टी के लिए चाहिए, तो ये बताइए उसको अभी कितना आवश्यकता है, आवश्यकता यानी कि उसके पास इतना है, इतना चाहिए, कितना और चाहिए उसको, इतना मिल्क उसके पास है लेकिन उसको आवश्यकता कितना है, इतने की, तो अभी कम है ना, कितना कम है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आएगा वो नीडेड है मिल्क हो जाएगा। जी पार्ट, अरुण नीड्स 10 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ ऑफ स्टिच एक कॉटन, हाउ मच क्लॉथ विल नीड टू स्टिच 5 सच कंटेन सर्टेंस। तो इसमें क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्विक ड्रिल में यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल ऑफ 84 मीटर 60 सेंटीमीटर एंड 78 मीटर 35 सेंटीमीटर। दोनों को टोटल ऐड करना है, यानी कि ऐड करना है दोनों को, इसमें दोनों को ऐड करना है। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर मेहता इन 8 डेज इफ ही वॉक्स 900 मीटर एवरी डे। कह रहा है मिस्टर मेहता है जो 8 दिन वॉक करते हैं, ठीक है, लेकिन एक दिन में इतना वॉक करते हैं, तो बताइए 8 दिन में कितना करेंगे, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा उतना मीटर आएगा। सी में 18 लीटर 630 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज फिल्ड इन 9 बोटल। कह रहा है इतना वाटर है उसको 9 बोटल में भरा जा रहा है सेम कैपेसिटी का, तो ये बताइए एक बोटल का कैपेसिटी कितना है, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। डी नीता नीड 5 किलोग्राम 835 ग्राम ऑफ फ्लोर टू मेक 5 केक्स। नीता को इतना किलोग्राम आटा चाहिए और 5 केक बनाने के लिए, ठीक है, यदि उसके पास 5 किलोग्राम 170 ग्राम फ्लोर है तो बताइए उसको कितना और चाहिए, इसके लिए आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, जो आएगा उसकी आवश्यकता के अनुसार फ्लोर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये आपका मेजरमेंट का स्टोरेज प्रॉब्लम कंप्लीट होता है और मुझे लगता है कि आप लोग इसे सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि कहाँ पर कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी के साथ ये आपका चैप्टर 11 भी कंप्लीट होता है और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर 12 टाइम। ओके, और इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से घड़ी को यानी कि क्लॉक को देखा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।